सो हे गाइज, इसमें नाम एंड वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल चार्मिंग टिप्स। सो आज की वीडियो कुछ ऐसी थी कि मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मिस्टर फैजू की हेयर स्टाइल को आप कॉपी कर सकते हो, या फिर उनके जैसी हेयर स्टाइल कैसे बना सकते हो, उनके हेयर्स का सीक्रेट एंड क्या करना पड़ेगा कि उनके जैसी हेयर स्टाइल हम बना सकें। सो बिना ज़्यादा लेट करें हम चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ एंड मैं आपको बताते जाता हूँ कैसे बनेगी। ओके, सबसे पहली चीज़, अगर आपको मिस्टर फैजू के जैसी हेयर स्टाइल चाहिए, आपके हेयर्स सॉफ्ट होने चाहिए, सिल्की होने चाहिए, कॉज उनकी हेयर स्टाइल नीचे की तरफ है ना कि ऊपर है, तो सबसे पहले आपके हेयर सिल्की होने चाहिए। अगर आपके हेयर सिल्की नहीं है तो मेरी पीछे वाली वीडियो में जाओ, उसमें आपको सिल्की हेयर्स करने की वीडियो मिल जाएगी। और जो सेकेंड थिंग का ध्यान आपको रखना है वो कि आपके हेयर्स थोड़े ज़्यादा लॉन्ग होने चाहिए, कॉज उनकी हेयर स्टाइल लॉन्ग है, तो अगर सिर्फ इन दो स्टेप को फॉलो करना आपकी हेयर स्टाइल उसी टाइप की बन जाएगी। सो पहला हो गया आपके हेयर सिल्की स्मूथ होने चाहिए, एंड सेकंड वन हो गया आपके हेयर थोड़े से ज़्यादा लंबे होने चाहिए। जैसे फिलहाल अभी मैं आपको अपने दिखा देता हूँ, मेरे यहाँ तक हेयर्स हैं। ओके, सो अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे बनाना है, क्या बनाना है। इसमें जेल का, वैक्स का, ड्रायर का, तीनों का यूज़ नहीं है, बट अगर आपके हेयर ज़्यादा ही सिल्की हैं तो आप ड्रायर का यूज़ कर सकते हो उन्हें थोड़ा सा बाउंसी बनाने के लिए। ओके, स्टेप नंबर वन, सबसे पहले अपने पूरे हेयर्स को नीचे कर लो। नंबर टू, हमें थोड़ा सा पानी लेना है अपने हैंड्स पे, जैसे फिलहाल अभी मैंने अपने हैंड्स पे पानी ले लिया। इसे थोड़ा थोड़ा गीला करना है ऊपर से अपने हेयर्स को। ओके, डन। तो अब बात करते हैं थर्ड नंबर के स्टेप की। तो थर्ड नंबर के स्टेप पे अब आपको लेना है सिर्फ एक कॉम, वो कॉम राउंड भी हो सकता है, नॉर्मल सिंपल कोई भी कॉम चल जाएगा। तो सबसे पहले इस साइड के हेयर्स को ऊपर करना है, ये ऊपर की तरफ जाएंगे। एंड इधर के हेयर्स पहले सामने आएंगे। स्टेप नंबर वन हमारा ये था, इस तरफ के हेयर्स को ऊपर किया एंड इस तरफ के हेयर्स को सेंटर में करना है। अभी फिलहाल ये ऊपर हो गया। सो अब जो स्टेप नंबर थर्ड है वो रहेगा कि इन्हें और ऊपर करना है। एंड अब कॉम को एकदम साइड में रख दो एंड पूरा सिर्फ हाथों से ये हेयर स्टाइल तैयार हो जाएगी। सो अब यहाँ के हेयर्स को सबसे पहले नीचे की ओर लाना है, थोड़ा सा बैक के हेयर्स को, सामने के हेयर्स कम आएंगे, बैक से ज़्यादा आएंगे। देन अब सेंटर के हेयर्स को ऊपर करते जाना है कंटिन्यू एंड साइड से भी लेकर, एंड सिर्फ एक तरफ के हेयर्स को नीचे रखना है। तो अब हो गई हमारी हेयर स्टाइल लगभग तैयार। सो अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो देखा गाइस कितना सिंपल था इस हेयर स्टाइल को बनाना। अगर इसी टॉपिक पे या फिर इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।